नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लासी मीडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देवरिया जिले के बाबू मोहन सिंह जिला अस्पताल में गरीबों के लिए डायलिसिस की सुविधा है, पर बिजली विभाग ने सप्लाई नहीं दी है जिससे कि उसे शुरू किया जा सके। जबकि जिला अस्पताल में सीएमओ का कहना है कि बिजली के लिए जो शुल्क जमा करना था उसे हम एक महीना पहले ही जमा कर चुके हैं। आपको बताते चले, इस कार्य में जिला प्रशासन की कोई खास रुचि नहीं दिख रही है। वहीं गरीबों को डायलिसिस के लिए प्राइवेट अस्पतालों की शरण लेने पर मजबूर है। डायलिसिस सेंटर में जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? डायलिसिस सेंटर में जब भी जा रहे हैं तो वहाँ पे लोग बता रहे हैं कि बिजली नहीं है, अभी काम ठीक से चल नहीं रहा है। वहाँ पे हम लोग जाते हैं तो मतलब पहले बाहरी जो है बाहरी इलाज से मतलब सस्ता वहाँ पे हम सोचते हैं कि हो जाए, लेकिन वहाँ पे सस्ता नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा है। वहाँ पे शुरू कोई कुछ काम नहीं हो रहा है। जब भी वहाँ जा रहे हैं तो बोल रहे हैं लोग बिजली नहीं है, काम शुरू हुआ नहीं है, ये सरकारी का काम हो रहा है। क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम किस्तम प्रजापति पड़ेगा।